हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे कितने शॉर्टकट में 1 से 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। आज दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि ये वर्ग कैसे करेंगे। कोई भी संख्या दिया हो उसको हम लोग वर्ग कैसे करेंगे सिंपल तरीके में, यानी कि 1 से 2 सेकंड में बड़े से बड़े वर्ग कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसे हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, आपको दिया है मान लीजिए 89 का वर्ग कीजिए। दोस्तों आप कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आपको दे दिया गया है यहाँ 69, इसका वर्ग कीजिए। आपको दे दिया गया 112, इसको वर्ग कीजिए। आपको दे दिया गया दोस्तों 56, 55, कोई भी चीज़ आप इसको वर्क कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपल से कैसे इसको बनाना है, मात्र 1 से 2 सेकंड में। 1 से 2 सेकंड में बनाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूँ, जिसे आप मात्र 1 से 2 सेकंड में बताइएगा। इसके बाद हम आप 3 अंक वाले कैसे बनाएंगे, 4 अंक वाले कैसे बनाएंगे, 5 अंक वाले कैसे बनाएंगे, ये सब स्क्वायर हम लोग कितना शॉर्ट में बना देंगे ये आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab। देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिए और इसको अप्लाई कीजिए। आप मान लीजिए इसको a और इसको मान लीजिए b, देखिए अब कैसे होगा। दोस्तों ये मानिए यानी कि इसको हम लोग इधर हम लोग फॉर्मूला में करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें वर्ग निकालने में हम लोग इधर से देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर, उसके बाद करेंगे हम 2ab, यानी कि 9 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए 2ab, यानी कि 2 गुने क्या है दोस्तों 8 गुने 9। उसके बाद लिखिए ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कितना है दोस्तों हमारा 8 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मात्र हम आपसे समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, बाकी आपको मुंह से ही बना देना है कितना आसानी से बन जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर, इसको देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 के 1, हाथ में बचा 8, 9 8 72, 72 2 144, 144 और 8, 144 8 कितना होगा दोस्तों 144 और 8 आपका हो जाएगा 152, 152 के 2, हाथ में रहल 15, 8 8 64, 64 और 15, 64 और 15 हो गया आपका 69 10 79, यानी कि देखिए दोस्तों आपका इतना हो गया स्क्वायर। एक तरीका ये है जो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन ये देखिए ऐसा एक तरीका हो गया। एक तरीका देखिए और है जिसे हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए और भी सिंपल तरीका, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना हम टाइम ले रहे हैं, नहीं तो बात आपको हम 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाना है ये भी आपको हम आगे चल के बता रहे हैं। चलिए फिर इसको देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं, एक इसको नंबर के आधार पर बना सकते। देखिए इसको मान लीजिए हम लोग 100 बेस पर कैसे बनाएंगे, यानी कि 100 के आसपास कोई अंक हो तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए 100 का दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है 102 को कैसे स्क्वायर करें। दोस्तों 102 के भी आप इसको देखिए बी मान लीजिए, इसको इसको ए, ऐसे ही मान के आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे और भी कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। चलिए देखिए इसको और भी हम वे में जाएं तो देखिए 102 है तो 102 लिख देंगे, प्लस जो इसका अंक होगा वो अंक इसमें हम लोग जोड़ देंगे, और जो अंक दिया होगा उसको हम लोग इधर स्क्वायर कर देंगे। ओके दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको लोगों को, देखिए अब कैसा होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 104। दोस्तों ये हमारा 3 अंक का है, तो 3 अंक का है तो हमारा 2 अंक दाएं से होना चाहिए, तो 2 अंक के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, तो हमारा देखिए परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों इतना हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर हम लोग ए और बी के आधार पर ये बनाते हैं तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी कि दो दो ना चार, दस दूना बीस, बीस दूना चालीस के जी रात में रहल चार, दस दहा के सौ, सौ चार एक सौ चार। देखिए दोस्तों ऐसे ही बनाएंगे तो हमारा कितना गया 10404, ऐसे ही बनाए तो 10404। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेथड हम लोगों का अच्छा लग रहा है, कौन सा मेथड पे हम लोग बनाएंगे, चलिए वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका हम दोनों तरीका से आपको अभी बता रहे हैं। देखिए सॉरी यहाँ देखिए 9 9 81, 9 6 54, 54 2 आप लोग जानेंगे 108, 108 और 8 16, 116 के 6 हाथ में बचा 11, 6 6 11 36, 36 और 11 45, 36 और 11 होगा 47, इतना हो जाएगा। या उस तरीके से भी आप बनाइए, इतना आ गया दोस्तों। चलिए इसको और भी देख लीजिए, दूसरा कैसे ए अलग कैसे बनेगा, इसको ए और बी मान लीजिए या 100 के आसपास मान लीजिए, तो इसको ए और बी मानिएगा तो इसको मान लीजिए हम लोग बी और ई दोनों को ए मान लेंगे। तो बी का मतलब हो गया दो दूना चार, 11 2 22, 22 2 44 के चार हाथ में रहल चार, 11 11 121, 121 और चार 125। तो दोस्तों हमारा सिंपल हो जाएगा 12542, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12542। या आप ऐसे भी ए और बी पर इतना आ गया दोस्तों, अगर 100 के आसपास मानना चाहते हैं तो देखिए 100 के आसपास में भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100 से कितना बड़ा है दोस्तों 12 बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 112 प्लस 12, इतना लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद जो 12 प्लस के हैं इसको हम लोग यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे। इतना तक समझ में आया होगा दोस्तों, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 144। तो हमारा दोस्तों ये 3 अंक वाला है तो हम लोग 2 अंक लेना है, तो 2 अंक इधर लेंगे, एक ये अंक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसको हम लोग यहाँ आके जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 4 और 1 5 4 4। देखिए दोस्तों इस मेथड से भी हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ 4 हो गया दोस्तों, सॉरी यहाँ कितना आ गया 12544, इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अभी देखिए हम लास्ट में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे बना लीजिएगा, ये हम आपको बताएंगे। ये देखिए 56 को आप लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, 6 6 11 36, 6 5 30, 30 2 60, 60 3 63, हाथ में बचा 6 50 25 6 31, यानी कि 31 36 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग, ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, और देखिए टाइप टू में देखिए कैसा पूछेगा दोस्तों। टाइप टू में हमारा थोड़ा मार्कर का इंक खत्म है दोस्तों, टाइप टू में देखिए इसमें हमारा पूछेगा दोस्तों आपसे, मान लीजिए आपसे पूछ देगा दोस्तों 1005 या 1000, यहाँ मान लीजिए आपसे पूछ दिया 1005 या आपसे यानी कि 1000 के जो नज़दीक, 1000 के नज़दीक यानी कि 1995, या आपसे पूछ दिया दोस्तों 998, तो इस तरह के स्क्वायर आप लोग कैसे मात्र 1 से 2 सेकंड में बनाएंगे, चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों आपसे अगर पूछ दिया इससे तो हम लोग क्या जो 100 के आसपास वाला बताए थे, तब देखिए 1000 के आसपास वाला, 1000 के आसपास वाला कैसे बनेगा, तो दोस्तों तो हम लोग कुछ नहीं करना, पहले 1005 लिख लिए, 1000 से कितना अधिक है दोस्तों 5, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, और क्या करना है 5 जो जोड़े हैं हम लोग 5 का इधर स्क्वायर कर लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। 1000 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 1010 हो जाएगा, 1010 हो गया,
अब इसमें करना क्या है दोस्तों, ये 25 पाँचा है 25, तो दोस्तों ये हमारा तीन अंक इसमें चार डिजिट का होता है, जिसमें हम लोग तीन डिजिट लेंगे तो दो डिजिट है तो एक डिजिट और बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1010025, हमारा आंसर आ जाएगा इतना 1010025, यानी कि 1005 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब एक माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला क्या होगा देखिए, 1000 से कितना कम है दोस्तों, तो 1000 से हमारा ये कितना कम है, 5 कम है, तो इसमें से 5 हम लोग घटा लेंगे और 5 कम है तो इधर 5 हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 5 स्क्वायर कर दिए तो यहाँ देखिए दोस्तों इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 990, इधर हमारा 25 हो जाएगा दोस्तों, 10 इधर बैठा लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी बन जा रहा है दोस्तों, ये देखिए 98 कितना 1000 से कम है दोस्तों, 2 कम है, तो यहाँ सीधा लिख दिए 998-2, इधर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, घटा लीजिए 996 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 अंक कम है तो 2 हम लोग 0 इधर बैठा देंगे, यही हो गया आंसर। और देखिए दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए ये हो गया क्वेश्चन, अब आपसे पूछ दे दोस्तों ये जो हमेशा बार बार पूछता है, बार बार कैसा पूछता है देखिए 9999, यानी कि इतना बड़ा आपको स्क्वायर दे दे, मान लीजिए आपको दे दे बहुत सारा 9, इतना 9 दे दे, या आपको दे दे दोस्तों देखिए 1111111, यानी कि आपको बहुत सारा 1 दे दे, तो आप लोग कैसे बनाइएगा चलिए वो बताते हैं आपको, या आपको दे दे 1111, इतना तो आप कैसे बनाइएगा, ये हर बार पूछा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे कैसे बनाइएगा चलिए हम आपको बताते हैं, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, देखिए 9 कितना है 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 टाइम 9 है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से 4 टाइम 9 लिखेंगे, यानी कि 4 टाइम 9 लिखेंगे, यानी कि 4 9 लिख दिए, उसके बाद हम लोग 9 में से 1 कम कर देंगे, 9 में से 1 कम करेंगे 8 कम कर दिए, अब जितना 9 लिखे हैं दोस्तों उतना हम लोग 0 लिखेंगे, 4 9 है 4 0, और जो 1 यहाँ कम किए हैं वो वाला 1 हम लोग यहाँ कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, देखिए इसको क्या करना है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है तो इसको हम लोग 5 बार 9 लिखेंगे, 5 बार लिखे उसके बाद 1 8 लिख देंगे, उसके बाद देखिए 5 बार 0 भी लिख दीजिए, 5 बार 0 लिखें उसके बाद यहाँ 1 लिख दिए, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना सेकेंड में आप बना रहे हैं, अब देखिए आपको ये 1 वाला जो 1 दिया हो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए, और आपको सिर्फ स्क्वायर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे फिर उल्टा गिनती गिन दीजिए, उल्टा गिनती यानी कि 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको 4 बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दीजिए इतना, उसके बाद आप उल्टा गिनती कीजिए 3 2 1, यही हमारा स्क्वायर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर अगले वीडियो में इसको स्क्वायर ये बता दिए, हम स्क्वायर रूट कितना सिंपल में बताएंगे, कितना शॉर्टकट में बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।